क्या वाकई ही सिद्धू मूसेवाला जी के कातिल को 471 दिन बाद मार कूट के सुझा दिया गया है? जी हां, मैं बात कर रही हूं लॉरेंस बिश्नोई का, जिसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर लीक होता हुआ नजर आ रहा है। कौन सा है वो वीडियो बताएंगे इस वीडियो के अंदर, साथ ही ये भी बताएंगे कि क्या हश्र हो रहा है उसका जेल के अंदर, क्या वाकई ही उसे थर्ड डिग्री दी जा रही है या उसका रिमांड चल रहा है या पूछताछ चल रही है उससे या वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है या उसे वीआईपी फोन दिया जा रहा है, क्या है आखिरकार खबर बताएंगे इस वीडियो के अंदर, एक एक डिटेल देंगे। सिद्धू की माताजी का क्या कहना है इस पर, पिता ने क्या प्रतिक्रिया दी है वीडियो लीक होने के बाद, वो वीडियो की हम आपको क्लिप भी दिखाने वाले हैं, एक एक जानकारी साझा करने वाले हैं आज के इस अपडेट में, लेटेस्ट अपडेट में आपको सभी जानकारी सिद्धू मूसेवाला जी से जुड़ी मिलने वाली है। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए बॉलीवुड की दीवानी चैनल को, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑल पे भी जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें इस वक्त की जो अहम खबर सामने आ रही है वो सिद्धू मूसेवाला जी के कातिल को लेकर आ रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर लीक हो गया है रातों रात, और जिसे देखकर सिद्धू के पिता की आंखें फटी की फटी रह गई है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ऐसा ही हुआ है दोस्तों, रिमांड की बजाय आपको बता दे जेल के अंदर लॉरेंस बिश्नोई को फोन दिया गया, जहां फैंस लगातार सिद्धू मूसेवाला जी के जस्टिस की मांग कर रहे हैं, पिता दिन रात एक कर रहे हैं, सबूत पर सबूत इकट्ठे करके दिए जा रहे हैं, कोर्ट में पेश कर रहे हैं, तो वहीं इन सभी चीजों का कुछ भी फर्क ना पड़ते हुए उसे वीआईपी फोन दिया गया है जिस पर वो वीडियो कॉल करता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इस स्क्रीनशॉट की, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये स्क्रीनशॉट, जी हाँ सही देख रहे हैं, लॉरेंस का एक और वीडियो जेल से जो है वायरल हुआ है। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि लॉरेंस की वीडियो कॉल के दूसरी तरफ दिखने वाला व्यक्ति हरियाणा की नू हिंसा का मुख्य आरोपी मोनू मानेसर है। इस वीडियो कॉल में एक और जो है आरोपी है वो है राजू बसौदी, भी इस वीडियो कॉल में दिख रहा है, जो लॉरेंस के साथ ही बैठा है, हंसता मुस्कुराता हुआ वीडियो कॉल पे बात करता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि गौर रक्षा दल से जुड़ा हुआ मोनू मानेसर जो है लॉरेंस की गैंग में शामिल होना चाहता था, जिसके बाद दोनों के बीच वीडियो कॉल के जरिए बातचीत हो रही है। वहीं पुलिस के मुताबिक सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि लॉरेंस के ग्रुप में शामिल होना चाहता था ये शख्स, और इसके लिए वह लगातार लॉरेंस के भाई अनमोल जो कि मोस्ट वांटेड है उसके संपर्क में बना हुआ था। गिरफ्तारी से पहले 10 सितंबर तक दोनों के बीच एक विशेष ऐप सिग्नल के जरिए बातचीत भी हुई है। पुलिस लगातार इस वीडियो की छानबीन कर रही है कि कब की है ये वीडियो, और इसका पता लगाने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन सिद्धू के पिता बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। वो कह रहे हैं लगातार और पहले भी कह चुके हैं कि हमारी कोई मदद नहीं करने को तैयार है, बल्कि हमारे पीछे पड़े हुए हैं जो गुनहगार है उसे वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उसे फोन पे फोन दिया जा रहा है, उसे सारी चीजें उपलब्ध करवाई जा रही है, रिमांड की बजाय उसे जो है राजाओं की तरह रखा जा रहा है, सरकार नहीं चला रही है बल्कि लॉरेंस चला रहा है सरकार को, इस तरह की तमाम बातें सिद्धू के पिता बलकौर सिंह जी और माता चरण कौर जी ने गुस्से में आकर भावुक होकर जो है ये बातें कही है, और कहना जायज भी है क्योंकि उनके एक लौते पुत्र की हत्या होने के बाद जो है उन्हें अब तक जस्टिस नहीं मिला है। 471 दिन हो गए हैं, अब तक भी जस्टिस पेंडिंग है, और यही मुहिम जो है पूरे सोशल मीडिया पर चल रही है कि जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला, वो स्टैंड विद सिद्धू पेरेंट्स, ये दोनों हैशटैग जो है पूरा ट्रेंड कर रहा है, पूरे सोशल मीडिया पर ट्रेंड करना भी लाजमी है क्योंकि अब तक जस्टिस नहीं मिला है, साल से ऊपर हो चुका है। वेल, आपकी क्या राय है इस वीडियो कॉल जो मैंने आपको दिखाई है लॉरेंस बिश्नोई की बातचीत की, इसे लेकर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया, कॉमेंट सेक्शन के जरिए जरूर लिखिएगा। साथ ही हर लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हैशटैग जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला लिखना ना भूले, कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।